जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल के सपोर्ट में उतरे फैंस। जेनिफर ने असित मोदी पर लगाया है गंभीर आरोप। आत्माराम भिड़े यानी मंदार वाडकर आरोप सुनकर हुए हैं हैरान। टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा पर इस समय मुश्किल खड़ी होते हुए नजर आ रही है। दरअसल शो से एक के बाद एक किरदार चले जा रहे हैं, तो वहीं अब शो पर एक और नई मुसीबत आते हुए दिखाई दी है। शो में मिसेज रोशनी सिंह सोढ़ी का किरदार निभाने वाली जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने शो के प्रोड्यूसर असित मोदी पर गंभीर आरोप लगाया है और ये कहा है कि वो उनका यौन उत्पीड़न कर रहे थे। हालांकि मेकर्स की तरफ से ये सफाई दी गई है कि जेनिफर ने शो छोड़ दिया है और अब वो शो को और प्रोड्यूसर को बदनाम करने में लगी हुई है। हालांकि मामले की सच्चाई क्या है ये आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। ये वीडियो जेनिफर ने अपने सोशल मीडिया पर अपलोड किया है जिसमें वो इंसाफ की मांग करते हुए नजर आ रही हैं और वो ये भी कह रही हैं कि उनकी खामोशी को उनकी कमजोरी ना समझा जाए। चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं चुप थी क्योंकि सलीका है मुझ में। खुदा गवाह है कि सच क्या है, खुदा गवाह है कि सच क्या है। याद रख, उसके घर में कोई फर्क नहीं है तुझ में और मुझ में। इतना ही नहीं, उन्होंने मुंबई पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज करवा दी है। वहीं शो से जुड़े मंदार वाडकर का ये कहना है कि आखिरकार दोनों के बीच क्या हुआ है वो बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन जिस तरह का आरोप असित मोदी पर जेनिफर ने लगाया है वो पूरी तरह से निराधार है। सेट पर पुरुष प्रधान माहौल नहीं रहता है और अगर ऐसा रहता तो शो 14 साल से सफलता हासिल नहीं करता। तो कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं मंदार असित मोदी का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं जेनिफर के सपोर्ट में उनके फैंस दिखाई दे रहे हैं। फैंस ने कमेंट्स में उनके लिए अपना सपोर्ट दिखाया है। कमेंट्स में लिखा हुआ है कि आप फियरलेस हैं और आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। इतना ही नहीं, तारक मेहता शो को बंद किए जाने की भी मांग की जा रही है। वहीं जेनिफर से कुछ यूजर्स ने ये भी सवाल किया है कि ये आरोप आप खुद बता रही हैं कि पुराना है, तो उस समय से लेकर अब तक आप खामोश क्यों थी। टीवी और एंटरटेनमेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं।